नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हैं दैनिक जानकारी। दैनिक जानकारी के रोचक जानकारी में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करें। तो आज हम बात करने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्यकर्मी कैशलेस चिकित्सा योजना के बारे में। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक चिकित्सा परिचार्य नियमावली तथा संशोधित 2021 में निहित नियमों के अधीन संचालित होगी। उत्तर प्रदेश राज्य शासन द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 7 जून 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों तथा उनके आश्रित परिवारजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का प्रावधान किया गया है। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर कौन है सरकारी सेवक और सेवकों का इनका लाभ कैसे मिलेगा। तो पहले बात करें तो सरकारी सेवक कौन है। तो सरकारी सेवक ऐसा कोई भी व्यक्ति जिस पर केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 लागू होता है। उनके आश्रित परिवार सदस्यों की बात करें तो उनका अविवाहित पुत्र, अविवाहित पुत्री और उनके माता पिता और अन्य जो उनके द्वारा गोद ली गई पुत्री या पुत्र या उनके सौतेली पुत्र या पुत्री भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे अगर उनके पिता या माता सरकारी सेवक हैं। इसमें राज्य कर्मचारियों को यह फायदा होगा कि पहले कर्मचारी इलाज के दौरान अपने पैसे को स्वयं व्यय करते थे, बाद में सरकार द्वारा अस्पताल के बिल का संशोधन कर कर्मचारी के इलाज के दौरान व्यय धन दे दिया जाता था, पर अब वह सीधे 5 लाख तक एक हेल्थ कार्ड के द्वारा अपना इलाज करवा सकेगा। उसे सरकार को बिल दिखाने आदि कार्य से मुक्ति रहेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रत्येक पात्र लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होना अनिवार्य है। इसकी सहायता से चिकित्सालयों में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध समस्त निजी अस्पतालों तथा सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध अस्पताल से तात्पर्य है जो निजी अस्पताल में जन आरोग्य योजना कार्ड पर दवाई या इलाज किया जाता है वहां से वह इलाज करा सकेंगे। निजी अस्पताल में इलाज करवाने पर कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपये तक कैशलेस सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी प्रति एक साल में। अगर कर्मचारी निजी अस्पताल में इलाज ना करवा कर सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएगा तो वित्तीय सीमा अर्थात पैसे की कोई सीमा नहीं होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अन्य लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।